साथियों, आज बस्ती जनपद में डीएम कार्यालय के पास राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बैनर तले धरना दिया गया है। यहाँ इसके कुछ पदाधिकारी हैं जिससे हम कुछ पूछना चाहते हैं। सर, आज आप लोगों ने धरना दिए, आप किन किन मांगों को लेकर के आपने धरना दिए? सबसे पहले आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस आंदोलन की खबरों को आपने दिखाने का प्रयास किया। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का जो आंदोलन की घोषणा हुई है, आंदोलन का दूसरा चरण का आंदोलन था जिसमें 9 मुद्दे हैं। 9 मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे भारत में आज की तारीख में धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया गया। किन मुद्दों को लेकर के आपने धरना? इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो आंदोलन की घोषणा की हुई है उसमें जो 9 मुद्दे हैं, सबसे पहले ओबीसी की गिनती का मुद्दा उसमें है, उसमें दूसरा मुद्दा क्रिमिनेयर का है, उसमें ईवीएम के मुद्दे हैं, और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो अभी फैसला आया हुआ है जातियों में डिवाइडेशन करने के लिए, वो भी मुद्दा उसमें है। तो इस तरीके से लगभग 9 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन का आंदोलन किया। देखा जाए तो आप लोग बहुत पहले से ही जो है जात आधारित जनगणना के बारे में आप लोग आंदोलन करते चले आए हैं, लेकिन आज भी कर रहे हैं, क्या इस पे सरकार अपना कोई रुख नहीं दे रही है? देखिए, सरकार जो कि जो गिनती का मामला है वो सेंट्रल का मामला है, लेकिन सेंट्रल के लोग जो है इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और गिनती ना होने की वजह से जिस अनुपात में SC BC के लोगों को जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो कि संविधान में प्राविधान है कि जिसकी जितनी संख्या होनी चाहिए उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, अब सरकार गिनती नहीं करा रही है, तो गिनती ना होने की वजह से SC BC के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से गिनती कराना जरूरी है। अच्छा, अभी देखा जा रहा है हाल में बहुत सारे क्रीमी लेयर को लेकर के बातें फैल रही हैं, लेकिन क्रीमी लेयर से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल, क्रीमी लेयर जो अभी आया हुआ है, आप देखेंगे कि OBC जब मंडल कमीशन के अनुसार उसको जो 27% रिजर्वेशन दिया गया, जबकि उसकी संख्या जो है 52% थी, OBC के साथ में षड्यंत्र हुआ, ये कहा गया कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं लागू हो सकता, लेकिन आज वर्तमान में सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया, वो भी संविधान के विरोध में। अगर सवर्णों को 50% ऑलरेडी 49% पहले था, तो 10% रिजर्वेशन दिया गया सवर्णों को, यानी लगभग आपका हो गया 59.50% रिजर्वेशन लागू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगाने वाले लोग थे कि 50% ज़्यादा आरक्षण लागू नहीं हो सकता, 10% कैसे दिया। दूसरी चीज़ ये है, जो क्रिमिनेयर है, OBC को 27% रिजर्वेशन दिया मंडल कमीशन के अनुसार, उसके बाद उसमें क्रिमिनेयर लगाया। क्रिमिनेयर का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमारे पास दांत है तो हमको चने चबाने के लिए नहीं दिए जाएंगे, यानी हमको वहाँ से एक अधिकार वंचित किया गया। दूसरी चीज़ ये है कि चना चबाने के लिए उसको दिया जाएगा जिसके पास दांत नहीं है, जिसके पास दांत इसको दिया जाए, इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ से वंचित करने का मामला है। क्रिमिनेयर जिसके पास दांत है उसको दिया नहीं जाएगा, वो वहाँ से वंचित हो गया, और दूसरा वंचित वहाँ से किया जा रहा है जिसके पास दांत नहीं उसको दिया जा रहा है, तो वैसे भी खा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये है कि क्रिमिनेयर जो लाया गया है वो नुकसानदेह है, इससे हमारे लोगों का नुकसान है, क्योंकि OBC की 27% रिजर्वेशन होते हुए उनके यहाँ भी क्रिमिनेयर लगाया गया, जो कि आज तारीख में शासन प्रशासन में 27% भागीदारी होनी चाहिए थी, लेकिन 27 ना होकर के उनकी 6% की भागीदारी नहीं है, उसके लिए क्रिमिनेयर की वजह से नहीं है। और ये जो लाया गया है ये SC में बहुत सारी जातियों के लोग हैं उनको बांटने के लिए लाया गया हुआ है, इस वजह से हम लोग इसी विरोध में हैं। अभी देखा गया सर, बहुत सारे SC ST को लेकर के जो है बहुत जाने भारत बंद का भी वो किया गया, लेकिन उसमें क्या मामला चल रहा है कि जो लोग SC ST के लोग उसमें भी वर्ग उपवर्ग में भी बांटा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? नहीं, ये देखिए, ये RSS BJP के द्वारा अभी ये षड्यंत्र किया जा रहा है, बांटने का जो षड्यंत्र है ये हमारे लोगों का नहीं है, क्योंकि SC ST OBC वास्तविक इस देश का मूल निवासी है। अभी इस देश में रहने वाला 3% जो ब्राह्मण है वो विदेशी है, तो अभी हमारे लोगों को, क्योंकि मूल निवासी कांसेप्ट जागृति की जा रही है, और जागृति का परिणाम ये है कि बड़े पैमाने पर इकट्ठा हो रहे हैं, तो अभी उनमें ये जो है कुछ लोगों को जो हम SC BC में चमचे और दलाल हैं उनको वहाँ से जो है उकसाया जा रहा है, उकसा करके उनको जो है डिवाइड किया जा रहा है। तो क्योंकि जब लोग बटे रहेंगे तो दुश्मनों का ये फायदा होगा, यानी जो वर्तमान में शासन में हैं तो उनका फायदा होगा, तो इस वजह से ये बांटने की राजनीति वो लोग कर रहे हैं। आगे और कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप लोगों ने बहस की है? देखिए, हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। वर्तमान में जो शासन सत्ता में बड़ी सरकार है वो EVM की सरकार है, और आप भी जानते हैं कि वो
जो भी गलत कर रहे हैं आज कार्य में, जो भी गलत कर रहे हैं, कहीं कहीं ये गलती को छुपाने के लिए बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। जैसे जो गलती हुई उस पर जब मामला हाईलाइट हुआ तो उस मुद्दे को दबाने के लिए उन्होंने दूसरा मुद्दा क्रिएट कर दिया। अब दूसरा मुद्दा क्रिएट होते हुआ क्या, जब दूसरा मुद्दा क्रिएट हो गया तो लोग उसमें लग गए, तो पहले वाला जो मुद्दा हो दब गया। वर्तमान की मीडिया जो है यह भी देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया जो नेशनल मीडिया है वास्तविक खबरों को दिखाने का काम नहीं करती है, जो वास्तविक खबरें हैं जो दिखाने वाली खबरें हैं उसको हाइड करती हैं। आज की तारीख में जो बहुजन की मीडिया है या जो SC ST OBC के लोग चला रहे मीडिया है या जो यूट्यूब मीडिया है वही को जो है उन्हीं के माध्यम से वास्तविक खबरें जो है जनता तक जा रही है, जिससे जनता में जागृति बढ़ रही है। इस आंदोलन को लेकर के आप लोग कई चरणों में जो है आंदोलन करने वाले हैं, तो अगर ये सारी बातें नहीं मानी सरकार तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार अभी दो चरण का जो हुआ है, अगर सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो तीसरे चरण का आंदोलन है, और ये तीसरे चरण का आंदोलन हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े पैमाने पर पूरे सेंट्रल से हमारे लोग वहाँ आंदोलन के लिए आएंगे, और ये आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। सरकार को कहीं कहीं ये मजबूर होकर इन जो हमारे मुद्दे इन मुद्दों पर आना ही आना होगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, ये प्रत्येक लोगों का मुद्दा है। जो भी SC ST OBC माइनॉरिटी जो इस देश का वास्तविक मूल निवासी है उन लोगों के सारे मुद्दे हैं, तो लोगों को आना होगा अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए, सारे लोगों को आना होगा, क्योंकि जो अधिकार हमको संविधान में मिला हुआ है वर्तमान में वो लागू होता दिखाई नहीं दे रहा है। और यह भी है जो अभी क्रिमिलियर का मामला आया हुआ है और जो ऊपर डिवाइडेशन का मामला आया हुआ है, तो कहीं कहीं उन लोगों ने किया हुआ है जो सदियों से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बने हुए हैं और वो एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, एक ही जात वर्ग के लोग हैं, वो लोग जो है हमारे SC BC के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। तो हालांकि हम लोग जागृति वो कर रहे हैं, अभी हमारे SC BC के लोग बांटने वाले लोग नहीं है। अंत में सर मैं आपका थोड़ा परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम बुद्धिप्रिय पासवान है और मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का प्रदेश महासचिव हूँ और वर्तमान में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। लंबी का